हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी डॉट, नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप इंडिया में चीते को फिर से देख सकेंगे। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि चीता इंडिया में विलुप्त हो चुका है बहुत पहले ही। सन 1947 में ही चीता यहाँ से विलुप्त हो चुका था। लोग लेपर्ड को ही चीता मानकर खुश हो जाया करते थे, लेकिन अब चीता इंडिया में आने के चांस बढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे। चीता अफ्रीका में बहुत मात्रा में पाया जाता है। आपने तो सुना होगा चीता वर्ल्ड में धरती पर सबसे तेज भागने वाला जानवर, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन यह स्पीड सिर्फ 20 सेकंड के लिए ही मेंटेन रख पाता है। चीते का साइंटिफिक नाम है एसिनोनिक्स जुपिटस, और ये अभी वल्नरेबल कैटेगरी में है। वल्नरेबल मतलब इसकी पॉपुलेशन कम है, ये अभी संकटग्रस्त वाली कैटेगरी में नहीं है। और चीते का जो फेवरेट फूड है वो है चीतल, चिंकारा, ब्लैक बक और नील गाय। इस समय पूरे दुनिया में जो चीते की क्वांटिटी है वो है लगभग 7,000। इंडिया में जो चीता लास्ट टाइम देखा गया था वो देखा गया था 1947 में। 1947 में तीन चीता थे, जिसको महाराजा रामानुज प्रताप सिंह, जो कि सरगुजा स्टेट जो मध्य प्रदेश का था, उन्होंने तीनों चीतों को एक ही साथ मार दिया था, जिसके बाद से चीता इंडिया में विलुप्त हो गया था। उसके बाद एक फीमेल चीता जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1951 में लास्ट बार और देखा गया था। बाकी इससे पहले जो इंडिया में चीते थे 20 सेंचुरी में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पाए जाते थे। इसके बाद जब चीता विलुप्त हो गया तो चीता को फिर से इंडिया में वापस लाने की बहुत सारे एफर्ट्स हुए। सबसे पहला एफर्ट्स स्टार्ट हुआ था 2000 में। तब एक सुझाव आया था साइंटिस्ट की तरफ से, क्यों ना चीते की क्लोनिंग कर ली जाए। अब क्लोनिंग करने के लिए चीता के टिश्यू सेल तो चाहिए थे, तो अब बात करी उन्होंने अब ईरान से कि ईरान उसे या तो एक जिंदा चीता ला के दे दे या फिर उसके लाइव टिश्यू ला कर दे दे। लेकिन ईरान ने ये दोनों ही चीज़ देने से मना कर दिया, बिकॉज ईरान चाहता था कि इंडिया उसको अपने शेयर दे, लेकिन इंडिया ने शेयर देने से मना कर दिया था, जिसके बदले में ईरान ने इंडिया को चीता देने से मना कर दिया। ना ही तो चीता दिए और ना ही उसके लाइव सेल दिए। तो इस प्रकार से चीते की क्लोनिंग का जो प्लान था वो फेल हो गया। इसके बाद फिर एक प्लान बनाया गया कि क्यों ना चीता को नामीबिया, जो एक अफ्रीकी देश है, उससे इम्पोर्ट किया जाए और इंडिया में बसाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लानिंग पर मई 2012 में स्टे लगा दिया। क्यों? वो हम आगे देखेंगे कि ये स्टे क्यों लगाया। अब इस स्टे लगाने के पीछे रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन ये था कि जो प्लेस चुना गया था चीतों को बसाने के लिए वो है पालपुर किनो सेंचुरी, ये है मध्य प्रदेश में। पहले यहाँ पर शेरों को बसाया जाना था, जो कि गुजरात से लाए जाने थे, लेकिन गुजरात ने एंड टाइम पर मना कर दिया, जिसके कारण शेरों को वहां पर नहीं बसाया जा सका और ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। जब शेर नहीं आए तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पालपुर किनो सेंचुरी में चीतों को बसाया जाए। इसके बाद सेकंड रीजन ये था स्टे लगाने का कि जो साइंटिस्ट का एक व्यू था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था, कि बाहर से कोई भी प्रजाति तभी लाई जाए या अगर हमारे यहाँ अपनी कोई मूल प्रजाति जानवर की नहीं है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कोर्ट की नज़र में वो ये था कि किनो पालपुर सेंचुरी अफ्रीका चीते का नेचुरल हैबिटेट नहीं है और वहाँ पर हो सकता है उसके खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन ना हो। फोर्थ रीजन यही था कि
साइंटिस्ट ने ये कहा था कि चीता और लोअन एक साथ तो रह सकते हैं, लेकिन हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने ही देश की किसी जानवर की प्रजाति को। तो इन सभी रीजनों को ध्यान में रखते हुए मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन हाल ही में 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टे उठा लिया है, वो भी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके प्रयासों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे वापस ले लिया है, लेकिन कुछ गाइडलाइन के साथ। उनकी गाइडलाइन क्या है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है 3 मेंबरों की, जिसमें फॉर्मर डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के श्री रंजीत सिंह, DG ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के धनंजय मोहन एंड DIG वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि NTCA को गाइड करेंगे कि चीतों को लाना कैसे है, उनको मेंटेन कैसे करना है। अब ये कमेटी क्या करेगी कि हर 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगी। खुशी की बात यह है कि ये जो चीते हैं वो नामीबिया से आने हैं, 12 चीते, ये 12 चीते नामीबिया से आने हैं, और नामीबिया इंडिया को ये सारे चीते फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अब हम देखते हैं कि ये जो कमेटी है इसको गाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक ऐसे सुटेबल जगह ढूंढो जहाँ पर चीता आराम से रह सके और उसकी पॉपुलेशन भी आराम से बढ़ सके। तो एज पर साइंटिस्ट और टेक्निकल पीपल, 3 सेंचुरी को चिन्हित किया गया है, जिसमें पहली है नूरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, और एक सेंचुरी और है सहागढ़ बल लैंडस्केप जो जैसलमेर में राजस्थान में है। इन 3 जगहों को सुटेबल माना गया चीतों को बसाने के लिए। लेकिन जो वर्तमान में चीतों को लाने की योजना है वो है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। तो हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में हम चीतों को इंडिया में ही देख सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।